Hello everybody, this is Pavish here and I welcome you all on my YouTube channel. So in this video I will share with you the most important thing for the students who want to join the automobile industry. ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को में काम करना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं कि किस तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाए वो काम करें, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत कारगर साबित होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ के बारे में बताऊंगा कि जिसको करने के बाद आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग होता है, व्हीकल्स आपका टू व्हीलर थ्री व्हीलर हो सकता है। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल प्रवेश कुमार पे जाके मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। एंड इन दिस वीडियो आई विल शेयर विद यू द क्राइटेरिया। सो जो लोग नए हैं चैनल पे, मैं बता दूँ इस यहाँ पे मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी नॉलेज अनलॉक करता हूँ। एंड सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू वर्क इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। देर आर एक्चुअली फोर डिग्रीज बाय विच यू कैन स्टार्ट योर करियर इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको ये तीन चार डिग्रियों करके ही आप काम कर सकते हैं। पहली डिग्री है ITI, सेकेंड वन इज़ डिप्लोमा, थर्ड वन इज़ डिग्री एंड फोर्थ वन इज़ द पोस्ट ग्रेजुएशन। सो ITI प्रोग्राम है क्या? ITI प्रोग्राम को आप किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। ITI का मतलब है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राइट। एलिजिबिलिटी क्या होती है? अगर आपको ITI करना है तो यू शुड बी 10th पास फ्रॉम द साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड द कोर्सेज मस्ट बी द 6 months to 2 years टाइम इट टेक्स टू 6 months to 2 years टाइम एंड इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ कोर्सेज, राइट। क्योंकि आप ITI में जाएंगे तो आपको दो तरीके के कोर्सेज आपको वहाँ मिलेंगे, जहाँ पे एक आप टेक्निकली होंगे या दूसरा नॉन टेक्निकली, या फिर आप सॉफ्ट स्किल्स पे काम करेंगे। लेट्स सी, अगर आप सॉफ्ट स्किल पे काम करते हैं तो आप ड्राफ्टमैन वगैरह काम करेंगे, और आप टेक्निकल होते हैं तो आपको वेरियस डिपार्टमेंट्स में आपको फर्दर बताऊँगा। ITI प्रोग्राम में अगर आपकी फ़ीस होगी तकरीबन 3,000 रुपये पर सेमेस्टर, आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी 15,000 से 20,000। एडमिशन प्रोसेस मेरिट बेस्ड होता है, जो आपके मार्क्स होते हैं 10th में जो आप स्कोर करते हैं उन मार्क्स के अकॉर्डिंग आप को मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन मिलता है। आप कहाँ पे, फ्रॉम वेयर द स्टूडेंट्स कैन गो टू द ITI या प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं एडमिशन। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपका जो मार्क्स के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा। एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट द ITI प्रोग्राम फ्रॉम द गवर्नमेंट, यू हैव टू बी गो विद द एंट्रेंस एग्ज़ाम, राइट। सो टाइप्स ऑफ द फील्ड इन ITI प्रोग्राम, देर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ITI प्रोग्राम, बट देर आर अ पॉपुलर वंस। सो देर आर अ 6 प्रोग्राम्स इन ITI: टूल एंड डाई मेकर्स, डीजल मैकेनिक, फिल्टर, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन एंड ड्राफ्टमैन। जैसे मैंने ये आपको बताया कि ड्राफ्टमैन का काम कुछ डिज़ाइंस बनाना होता है, इलेक्ट्रिशियन का काम बिजली विभाग से रिलेटेड होता है, टूल एंड डाई मेकर्स में आप जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है टूल और डाई आप डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। एंड फ्यूचर आफ्टर द ITI, अगर आप ITI कर लेते हैं तो आपको कौन कौन सा क्या क्या आपका फ्यूचर हो सकता है। यू कैन डू फर्दर लाइक फर्दर स्टडीज़ आप कर सकते हैं, यू कैन डू योर डिप्लोमा BTech एंड MTech एज वेल। एंड आप पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी आप कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर में आप PSU जैसे रेलवेज़ की जॉब निकलती हैं, टेलीकॉम की निकलती हैं, BSNL की निकलती हैं, PWD एंड आर्म फोर्सेज, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि ITI और डिप्लोमा वालों को सबसे ज़्यादा वैकेंसीज वहाँ क्रिएट होती हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल एंड एनर्जी में काम कर सकते हैं।
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप का खुद का कुछ काम करना चाहते हैं, अगर सपोज़ आपने ड्राफ्टमैन से करा है और आप यू नो द एवरीथिंग अबाउट द डिज़ाइन, यू कैन क्रिएट द डिज़ाइन इन कै और वगैरह, राइट, इट्स अ बेसिक टूल। आप ऑटोकैड में अगर डिज़ाइन कर सकते हैं तो आप अपना भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। सो आईटीआई प्रोग्राम के बाद जो नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आता है डिप्लोमा। डिप्लोमा आप 12वीं के बाद कर सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन इसका 3 साल का होगा और एज मिनिमम 14 ईयर्स होगा। एडमिशन ओपन, आप डायरेक्ट अगर प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर डिग्री, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर डिप्लोमा राइट इन गवर्नमेंट कॉलेज, यू हैव टू बी गिव एंट्रेंस एग्ज़ाम, राइट। सो ट्यूशन फीस तकरीबन 5,50,000 के आसपास होगा और एग्ज़ाम टाइप सेमेस्टर वाइज होता है और आपको 6 सेमेस्टर्स में यहाँ पे पेपर देने पड़ेंगे। सैलरी पैकेज अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो बेसिकली आपका जो सैलरी पैकेज होगा 1.5 से 3 लाख रुपये होगा। जॉब प्रोफाइल आपका जूनियर इंजीनियर होगा, राइट। सो मैं बात करता हूँ ब्रांचेस की, अगर मैं ब्रांच डिप्लोमा में कौन कौन से ब्रांचेस हैं जिनसे आप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मास कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल में आप गाड़ियों के बारे में आप पढ़ेंगे, एरोनॉटिकल में आप बेसिकली स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर साइंस में आप कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल्स में आप इलेक्ट्रिकल रिलेटेड पढ़ेंगे, मैकेनिकल में आप मशीन्स के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, सिविल्स में आप कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स साइंस, राइट। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मास कम्युनिकेशंस, ये भी सब पार्ट है इलेक्ट्रिकल का। अगर मैं बात करूँ फ्यूचर की डिप्लोमा के बाद, तो आप रेलवेज में जॉब कर सकते हैं, यू कैन डू द जॉब इन डिफेंस, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, PWD एंड एयर इंडिया, राइट। बेनिफिट्स ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज, डिप्लोमा करने के बाद स्टूडेंट्स कैन डू द जॉब्स इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स आफ्टर द पेइंग स्मॉल फीस। आप कुछ फीस दे के और कुछ एक्सपीरियंस लेके आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट द इनकम, राइट। स्टूडेंट्स कैन डू द फर्दर स्टडीज BTech, MTech एज एंड डायरेक्टली टेक एन एडमिशन इन द सेकेंड ईयर ऑफ BTech एंड इन बाई दिस वे यू कैन सेव योर 1 ईयर। आप डिप्लोमा करके अगर BTech करना चाहते हैं तो आप 1 साल बचा सकते हैं आपका, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन होता है। एंड स्टूडेंट्स को प्रीफर द जॉब अलॉन्ग, आप इंजीनियरिंग के साथ में भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग आप डिस्टेंस से करके आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। और कुछ लोग जो लोगों को नॉलेज अच्छा होता है, जो लोग बिजनेस माइंडसेट के होते हैं, वो लोग डिप्लोमा के बाद अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। लेट्स सी BTech ऑब्लिक मैं अगर बात करूँ तो डिग्री के बारे में, डिग्री अगर आप करना चाहते हैं तो यू शुड बी 12th पास आउट। आप तकरीबन 4 साल का कोर्स होता है, एज 16 ईयर्स होती है और एडमिशन प्रोसेस डायरेक्ट आप प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली ले सकते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज में लेना चाहते हैं तो यू हैव टू बी गिवन एंट्रेंस एग्ज़ाम, राइट। ट्यूशन फीस तकरीबन 6 लाख रुपये होती है और एग्ज़ाम टाइप सेमेस्टर वाइज 8 सेमेस्टर का होता है। सैलरी स्टार्ट 1.5 लाख से 3 लाख मोस्ट प्रोबेबली सिमिलर होता है डिप्लोमा होल्डर्स के। जॉब प्रोफाइल अगर मैं बात करूँ तो दैट विल यू विल जॉइन इन द इंडस्ट्री आफ्टर द BTech एज एन जूनियर इंजीनियर, राइट। सो ब्रांचेस के बारे में बात करूँ, दैट विल बी द सेम एज अ डिप्लोमा होल्डर, यू कैन डू द इंजीनियरिंग इन ऑटोमोबाइल, एरोनॉटिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मास कम्युनिकेशन। फ्यूचर आफ्टर द डिग्री यू कैन डू दिस जॉब इन रेलवेज, डिफेंस, इलेक्ट्रिकल, PWD एंड एयर डिपार्टमेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन, दिस इज पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब माई चैनल बिफोर, बिकॉज क्योंकि मैं आगे भी इसी रिलेटेड नई वीडियोज़ मैं लाने जा रहा हूँ और कुछ ऐसी वीडियोज़ एज एन प्रोफेशनल जो आपको एज एन प्रोफेशनल आपको बढ़ने में हेल्प करेंगी, राइट। सो दिस इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी यू कैन डू द जॉब इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री।
If you want to choose an post graduation program, there will be two types of entries, M.Tech and MBAs. M.Tech, you have the time of duration will be the same, that is 2 years, and branches will be same as B.Tech. जैसे M.Tech की branches होती हैं उसी further आपको M.Tech B.Tech के उसमें भी आपको M.Tech करना पड़ेगा. अगर आपका मैकेनिकल से कह रहे हैं B.Tech तो आपको मैकेनिकल से ही M.Tech करना पड़ेगा. ओके, MBA आप ह्यूमन रिसोर्सेज से कर सकते हैं, मार्केटिंग से कर सकते हैं, फाइनेंस से कर सकते हैं. इफ़ यू विल चूज़ अ ह्यूमन रिसोर्स, सो यू कैन बी HR इन एनी ऑटोमोबाइल कंपनी. इफ़ यू चूज़ अ मार्केटिंग, यू कैन डू द मार्केटिंग हायर ऑफ एनी कंपनी एंड मार्केटिंग मैनेजर ऑफ एनी कंपनी. एंड फाइनेंस इज़ ऑल्सो क्रूशल डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, राइट. सो आफ्टर द M.Tech यू कैन मोस्टली स्टूडेंट्स will go for the academic jobs, right. And after the MBA can students these respective fields. अगर आप MBA करते हैं तो finance marketing या human resources में अगर जा सकते हैं. तकरीबन M.Tech MBA is, क्योंकि अगर private में मैं बात करूँ तो fees लगभग same होती है. depends upon the college कि आप कौन सा college choose करते हैं और किस फैसिलिटीज़ के साथ आप पढ़ना चाहते हैं. सो ये कुछ तरीके थे जिसके अकॉर्डिंग आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं. और वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा. अगर कुछ कमी आपको लगी हो मेरे वीडियोस में सो प्लीज़ कमेंट में, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में अच्छा सुधार कर सकूँ. और अगर अभी अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब. और क्योंकि बहुत जल्द मैं एक और भी बेहतर वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू.